आरंभ में, वर्ष के आरंभ में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ऐसे सरल हृदयी व्यक्ति को सम्मानित करके मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान दिलाकर नव प्रदेश स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्री पद्मश्री जागेश्वर यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित सदन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिलासपुर की धरती उर्वरा धरती है, साहित्यकारों को पैदा करने वाली धरती है, पत्रकारों को पैदा करने वाली धरती है, और ये वो भूमि है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार पत्रकार पैदा हुए। ऐसे ही एक कवि, साहित्यकार, पत्रकार और कहानीकार हमारे बीच यहाँ आज किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं उनका सम्मानपूर्वक नाम लेता हूँ और उनका सम्मान उनके घर पहुँच जाएगा, ऐसा धोटे साहब ने मुझे अभी अभी सूचित किया है। डॉक्टर सतीश जायसवाल जी को मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उनके लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें और कहते हैं सम्मान उन तक पहुँच जाएगा। हमारे बीच एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी मौजूद हैं। आप कंप्यूटर साइंस में निष्णात हैं और इसी को पढ़ाते हैं। पीएचडी की उपाधि के उपरांत आपने देश विदेश में साइंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनेक कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार और सिंपोजियम आदि में शिरकत की। आपको विभिन्न संस्थाओं से अपने विषय विज्ञान में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए कई पुरस्कार, कई अवार्ड प्राप्त हुए। ऐसे शिक्षाविद को अपने बीच पाकर और उनका सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप हैं डॉक्टर सी वी रमन, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अरविंद तिवारी। उनको बुला दीजिए तिवारी जी को, वसंती वैष्णव आ रहे आ रहे आ रहे पहुँच चुके तब तक तिवारी जी तक कहाँ है ना आगे आगे कथक क्वीन, जल्दी कर रहा हूँ, मुझे इधर से संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी करें। कथक क्वीन, नृत्य गुरु, रायगढ़ के कथक घराने की ध्वजवाहक, बिलासपुर में रहती हैं। नृत्याचार्य फिरतूदास वैष्णव जी की सुपुत्री हैं आप। रायगढ़ के चक्रधर महाराज के दरबार से उठकर कथक का परचम देश विदेश में आपने लहराया। आपका कथक नृत्य सहज ही मन मोह लेता है और ऐसी कलाकार, ऐसी कथक नृत्यांगना, ऐसी कथक क्वीन, कथक गुरु सुश्री वासंती वैष्णव को नव प्रदेश आज यहाँ इस मंच से सम्मानित कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के हाथों, मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल परिवार के हाथों। सुश्री वासंती वैष्णव, हाँ
हमारे अगले सम्मानित अतिथि जो हैं वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है। श्री नरसिंह शर्मा जी थे, पत्रकार हैं, संपादक हैं, सामाजिक विषयों के टिप्पणीकार हैं, हमारे बीच अभी इस समय मौजूद नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक कवि, कथाकार, साहित्यकार, हिंदी के प्रति समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मनीषी हैं, हिंदी सेवी हैं, अनेक कविताएं उन्होंने लिखी हैं, ढेरों कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, 4 कविता संग्रह और 2 कहानी संग्रह उनकी झोली में हैं। आपकी अनेक कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आप अभी कुछ दिन पहले तक या पिछले वर्ष तक श्रीकांत वर्मा पीठ के अध्यक्ष भी थे। आप हैं श्री राम कुमार तिवारी, आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच से। नव प्रदेश आपको मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, जैसे सोना तप कर कुंदन बन जाता है, वैसा ही एक नगीना हमारे बिलासपुर शहर में भी मौजूद है। व्यवसाय जगत का ये दैदीप्यमान सितारा है, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अभी अभी, और व्यावसायिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में लगभग हर जगह मिल जाते हैं। नव प्रदेश के भी कार्यक्रम में आए हैं। आप हैं श्री कमल सोनी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पीयूष श्रीवास्तव जी को, रायपुर के हैं और सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। आपसे आग्रह है कि इस हमारे प्रदेश के, नव प्रदेश के मंच में प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों ये सम्मान ग्रहण करें। नव प्रदेश के ही मुंगेली जिला के प्रतिनिधि भी हमारे बीच मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बरसों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं नव प्रदेश के इस मंच में, उनके ही अपने मंच में वे आए और मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। श्री सुशील शुक्ला। एक और पत्रकार हैं जिनका पत्रकारिता से गहरा नाता जुड़ा हुआ है, नव प्रदेश से भी इनका नाता जुड़ा हुआ है, सूरजपुर के जिला प्रतिनिधि हैं श्री संस्कार अग्रवाल। आपके सामने मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान ग्रहण करते हुए। और आखिर में हमारे बिलासपुर के ही नव प्रदेश के उप संपादक श्री विक्रम ठाकुर आ रहे हैं आपके सामने मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करने के लिए।
और क्योंकि ये बिलासपुर के हैं इसलिए तालियां बजा सकते हैं। देखिए कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने समय हमें कम दिया है, बावजूद उसके हम ये कार्यक्रम को कट शॉर्ट करके भी आगे बढ़ा रहे हैं। श्री इरशाद अली जो अध्यक्ष हैं बिलासपुर प्रेस क्लब के, वे अपनी यहाँ कार्यकारिणी के साथ मौजूद हैं, वे यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आज कुछ अतिरिक्त कार्य भी हो रहे हैं प्रेस क्लब में, कुछ तो ऐसी अवस्था में उनकी कार्यकारिणी यहाँ भले ना आ पाई हो, लेकिन इरशाद यहाँ मौजूद हैं। नहीं, वो स्वागत ही हो रहा है उनका। देखिए कितना जल्दी कार्यक्रम आगे बढ़ गया है और अब मैं अतिथियों का संबोधन